बिल्कुल सीखा, लाइक हमें लगता है कि यू नो हमने अच्छे मैचेस खेले हैं, बेशक हम हारे हैं लेकिन हम परफॉर्मेंस वाइज जो हम करना चाहते थे हमने किया, उनके ऊपर हमने अटैक्स भी किए, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट किए हैं जो कि इतना इजी नहीं है नीदरलैंड के साथ क्रिएट करना। द नेक्स्ट स्टेप इज़ ये कि कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को फिनिश कर सकते हैं यू नो, ताकि हम रिजल्ट अपने फेवर में लेके आ सकें, या जो हम जैसे गोल कंसीड किए वो कैसे हम यू नो सॉफ्ट गोल उनको नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर नंबर वन और उनको आप कुछ भी मतलब डी में अपॉर्चुनिटी दोगे दे विल स्कोर, सो कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है। एंड मैम आप काफी टाइम से टीम से मतलब आप बाहर थी, आप वर्ल्ड कप भी आपको छोड़ना पड़ा, तो कितना डिसअपॉइंटमेंट था आपके लिए, वो क्या रीजन था कि आप उसे इंजर्ड भी थी फिर आपकी ठीक भी हुई, तो क्या रीजन था कि आप इतना टीम में? येस ऑफ कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था मेरे लिए, स्पेशली लास्ट वन एंड हाफ ईयर टोक्यो के बाद कि मेरे को इंजरी हुई थी, उसके बाद मैं फिट होके वापस आई एंड या बट आई थिंक इट्स एक लाइफ यू नो स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ ऐसी होती है एंड जो भी सेटबैक्स आते हैं मैं उसको एक पॉजिटिव चैलेंज लेती हूँ कि कैसे मैं उसे ओवरकम कर सकती हूँ एंड मैंने बहुत हार्डवर्क भी किया उस टाइम पर, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेंटली मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा कि गिव अप नहीं करना, यू नो गिव अप करना बहुत ईजी है एंड या मेंटली स्ट्रॉन्ग है आप, पॉजिटिव हो तो यू कैन अचीव एनी थिंग एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट अगेन कि यू नो मैं दोबारा से वैसी इंडिया के लिए खेल सकूँ, वैसी मेडल इंडिया को जिता सकूँ। यस मैं फुली फिट हूँ अभी बहुत टाइम से एंड साउथ अफ्रीका भी काफ़ी अच्छा टूर रहा, बहुत टाइम के बाद खेलने का मौका मिला एंड इट्स ऑलवेज ऑनर कि जब भी कंट्री के लिए खेलने का मौका मिलता है। तो मैम बेशक 2022 आप इतना नहीं रही ग्राउंड में, लेकिन 2022 की इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता राउंड 6 एंड लास्ट दिसंबर में एफ आई एसोसिएशन कप, तो सम अप कैसे करेंगे 2022 का जो इंडियन हॉकी टीम का सीज़न रहा? 22 काफ़ी अच्छा रहा हॉकी टीम के लिए यू नो परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे मेडल जीता है, नेशन कप स्टेट के प्रोलीग के लिए क्वालिफाई किया जो ज़रूरी था, क्योंकि प्रोलीग में क्या होता है हमें एक टॉप टीम्स के साथ खेलने के लिए मिलता है जो नॉर्मली हम नहीं मिलता खेलने के लिए, सो उससे कहीं ना कहीं फिर हमें यू नो एक कॉन्फिडेंस लेवल गेन करते हैं वो मैचेस में एंड अपनी हमें पता चलता है कि हमें और कहाँ कितना काम करने की ज़रूरत है या कहाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, सो वो मैचेस काफ़ी अच्छे हैं प्रोलीग के मैचेस जो बहुत ज़रूरी हैं स्पेशली अगर बिल्डअप के लिए देखें हमारी पेरिस ओलंपिक्स के लिए। एक आखिरी सवाल है, पेरिस ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर है एंड क्या बोलते हैं इस साल एशियन गेम्स है, क्वालिफायर्स भी हैं, प्रोलीग भी है, तो किस तरह देखनी है प्रिपरेशन को, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में हम फोर्थ थे चुके, तो पेरिस ओलंपिक्स की प्रिपरेशन कैसे देखनी है? फर्स्ट फोकस हमारा एशियन गेम्स पे है क्योंकि हमें क्वालिफाई करना है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, सो हमारा मेनली फोकस जो है वो पूरा एशियन गेम्स पे है कि हम एशियन गेम्स से डायरेक्ट जो है वो क्वालिफाई करें पेरिस ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि एशियन गेम्स में अगर नहीं क्वालिफाई करते देन हमारे पास बिल्कुल बहुत कम टाइम है और वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके बाद ना, तो हमारा मेनली फोकस है कि हम एशियन गेम्स जीतें और पेरिस में क्वालिफाई करें एंड देन वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पेरिस नेक्स्ट ईयर। ओके।